आज के इस नए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो पे आप सबको स्वागत है। ठीक है, तो आज मैजिक होगा सिंपल रबर बैंड के साथ। ठीक है, तो रबर बैंड सबके घर पे होता है, तो आज उस रबर बैंड से ही मैजिक करेंगे। ठीक है, देखिए गौर से। अब मैं इसको ऐसे रखूंगा, अब इसके ऊपर मैजिक स्पेल करेंगे, बोलेंगे गिली गिली छू आबरकडाबरा, ऐसे ब्लो करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैजिक। मैं इस रबर बैंड को अभी देखिए 1 2 3 ऐसे करेंगे और आप देख पाओगे ये रबर बैंड एकदम दोनों हाथ के अंदर ऐसे लेविटेट हो रहा है। ठीक है, दो हाथ के बीच कोई भी चालाकी वगैरह कुछ भी नहीं। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये एकदम ऐसे लेविटेट हो रहा है लेकिन गिर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसको मैजिक से एकदम लेविटेट करके रखा है। अब देखिए 1 2 3 गिली गिली छू आबरा का डाबरा, और फ्रेंड्स ऐसे करेंगे और आप फिर से देख पाओगे रबर बैंड आ गया नीचे और वो भी एकदम नॉर्मल सा। तो ये है मैजिक। तो कैसा लगा आपको ये मैजिक? अगर आपको सीखना है तो चलिए आगे बढ़ते और देखते इस कमाल के मैजिक के पीछे का सीक्रेट। तो अब मैंने कैसे किया ये आप जानना चाहते हो, कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये चीज हो गया, सिंपल एक रबर बैंड कैसे हवा पे पूरा तैर रहा था, उसके लिए मैंने जो यूज किया वो है सिंपल सा एक रबर बैंड जो कि सबके घर पे होता है, और एक मैजिकल ऑब्जेक्ट जो कि मेरे लेफ्ट हैंड पे है वो है इनविजिबल लूप्स। ठीक है, इनविजिबल लूप्स। अब इसमें बहुत सारा लूप होता है, आप देख पा रहे हो इधर ब्लैक कलर का। ठीक है, ये इतना इनविजिबल है कि वो मतलब इतने पास से देखोगे तो दिखेगा लेकिन हाथ में कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं दिखेगा। अब हाथ में एक लूप ऑलरेडी है, तो अब ये कैसा चीज है? ये एक रबर बैंड की तरह ही है लेकिन इनविजिबल थ्रेड से बना हुआ है। तो अब मैंने इसके ऊपर इसको रखा और लूप समेत इस रबर बैंड को ऐसे ले लिया। अब मैंने जब इसको छोड़ा तो लूप मतलब कैसे है, इधर आप अगर एक इलास्टिक रबर बैंड को, मान लीजिए आप इलास्टिक रबर बैंड को ऐसे उठाओगे तो आप देखोगे एक उल्टा वी के तरह एक शेप हो जा रहा है। ठीक है, मतलब इधर बहुत वाइड है और इधर बहुत थिन है, तो इसलिए रबर बैंड वाइड जगह पे आके नहीं गिर रहा है, वो उधर एकदम अटक जा रहा है क्योंकि वो रबर बैंड से बहुत ज्यादा वाइड है ये लूप। अब मैंने इधर ऐसे किया, ऐसे किया तो वो लूप इतने देर में आ जाके रुक गया, लेकिन अगर ऐसे करूंगा तो ये गिर जाएगा क्योंकि इधर वी के शेप का नीचे वाला पोर्शन है, अब ये उल्टा वी के ऊपर वाला पोर्शन है। ठीक है, तो अब ये इधर लॉक हो जा रहा है। अब इसको जब मैं हाथ को फिर से ऐसे करूंगा, लूप को छोड़ दूंगा, तब ये गिर जाएगा। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज हो गया बात करने पे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं। लूप ऐसा एक चीज है जिसको मैं अगर ऐसे उठाऊंगा तो आप देखोगे कि इधर एक उल्टा वी है, तो वो जितने देर आ सकता है, जितना दूर आ सकता है, वो उधर आएगा और अटक जाएगा, फिर छोड़ देने के बाद वो रबर बैंड उसके साथ गिर जाएगा। यही है इसके पीछे का सीक्रेट। आई होप आप सबको ये मजेदार चीज अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों के शेयर कर देना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि आप नहीं चाहोगे आपसे इतना मजेदार चीज मिस हो। राइट, तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।